हेलो एवरीवन, वेलकम टू गोल्डीज टेस्टफुल किचन। आज हम एक बहुत आसान सी और अच्छे वाली टेस्टी स्वीट डिश लेकर आए हैं। आपको मैं दिखाना चाहूंगी, ये मैंने लिया है 1 लीटर दूध, पूरा 1 लीटर फुल क्रीम है, और ये मैंने अंगूर को 4 पीस में काट लिया है। जैसे आपने अंगूर लिया उसको आप ऐसे 2 पीस में भी काट सकते हैं अगर आपका छोटा अंगूर है, और नहीं तो आप ऐसे 4 पीस में काट के रख लें क्योंकि वो देखने में बहुत सुंदर लगेगा जिससे हम डेकोरेट करेंगे। और हाफ ऑफ भी आप कर सकते हैं, गोल भी काट सकते हैं। कुछ मैंने ये हाफ ऑफ करके रखे हैं जो मैं बीच में डालूंगी, और ये मैंने गार्निश करने के लिए रखे हैं। ऐसे ही मैंने बादाम ले लिया है, सोक बादाम लिए हैं, 10 से 15 लिए हैं, और ये इनके इस तरह से मैंने फ्लेक्स काट लिए हैं। अगर आपने ओवरनाइट सोक किया है तो उनके छिलके उतार के ये अच्छे से आसानी से कट जाते हैं। ये मैंने पिस्ता लिया है, ये भी मैंने 10 से 15 लिए हैं, इनको मैंने बिना सोक किए काटा है। वेनिला एसेंस है, रस है जिनसे यूज करके हम स्वीट डिश बनाने वाले हैं, चीनी है, अपनी इच्छा के अनुसार आप मतलब जो भी टेस्ट आपको पसंद है कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। ये मैंने रोज़ वाटर लिया है, गुलाब का पानी, और ये लिया है मैंने कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर हमने 3-4 टेबल स्पून लिया है, जिसको हम सबसे पहले मिक्स करेंगे। पहले ये दूध में जो ठंडा दूध हमने लिया है इसमें से ही हम दूध निकाल लेंगे और इसको हम मिक्स करेंगे ताकि इसमें लम्स ना पड़े, और बाकी का दूध हम कढ़ाई में चढ़ा देंगे। तो हमने ये फुल क्रीम दूध चढ़ा दिया है, इसको बॉयल आने तक हम लगातार चलाते रहेंगे और इसको थोड़ा सा हम गाढ़ा होने देंगे। तो बॉयल आने की इंतजार करते हैं, उसके बाद हम बताते हैं। और आप ये बैकग्राउंड म्यूजिक सुन रहे हैं, कोयल की बहुत अच्छी आवाज है अर्ली मॉर्निंग, और हम बना रहे हैं एक अच्छी सी स्वीट डिश, तो आप जरूर ट्राई कीजिएगा। इसको हम इस तरह से पूरा घोल लेंगे, और जब दूध में बॉयल आएगा उसको कैसे डालना है तब मैं आपको बताती हूँ। ये हम दूध को बॉयल कर रहे हैं, बॉयल होने वाला है बस। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फैमिली फ्रेंड्स में, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरी लेटेस्ट अपडेट्स आप तक पहुंच सकें। सब्सक्राइब नहीं किया है मेरा चैनल तो कर दीजिए। ये दूध गर्म होने के बाद हम इसमें से 2 से 3 टेबलस्पून हम मिल्क जो है वो निकाल लेंगे, और इसमें 1 चम्मच चीनी घोलकर इसको अलग से रख लेंगे। दूध अच्छे से उबल गया है, अब हम इसमें ये जो हमने कॉर्नफ्लोर घोला था वो डाल देंगे और लगातार चलाते रहेंगे। लगातार हमें इसे चलाना है ताकि लम्स ना पड़े और दूध गाढ़ा होना शुरू हो जाए। देखिए गाढ़ा होना शुरू हो गया है, स्लो टू मीडियम फ्लेम पर पकाएं ताकि बाहर ना निकले दूध, और बहुत टेस्टी लगने वाला है, बहुत जल्दी से बनने वाला है, ये कुछ भी देर नहीं लगती है। और 3 से 4 मिनट इसे पकते हुए हो गए हैं, अब हम डालेंगे इसमें स्वाद के अनुसार चीनी। टेस्ट करके देख लीजिएगा आप, इसको अच्छे से घुलने देंगे, और ये देखिए तैयार ये हो गया है। इसकी पहचान है कि हमारे पलटे पर ये कितने अच्छे से चिपक रहा है, इसका मतलब ये गाढ़ा हो गया है, और ठंडा होने के बाद भी ये थिक होता है, गाढ़ा होता है। तो चीनी घुलने तक हम इसे पकाते हैं। ये देखिए, अब देखिए चीनी घुलने के बाद भी हमने ना इसको पका लिया है 5 से 7 मिनट, तो यानी खूब अच्छे से थिक ऐसे हो जाए, कोई लम्स ना हो, और देखिए आप इस तरीके से गाढ़ा हो जाए, थोड़ा रिड्यूस भी हो गया है और ठंडा होने के बाद भी होगा। इसलिए अब हम गैस को करते हैं ऑफ, इसको होने देते हैं ठंडा। ये हमने एक सर्विंग डिश ले ली है, उसमें हम ये रस लगा रहे हैं। आप कोई भी कंपनी का जो भी खाते हैं वो ले सकते हैं।
इस टाइप से हम इसमें सारे रस लगा लेंगे। अच्छे से हम इसको सेट कर लेंगे और जो हमने ये दूध को घोल के रखा है चीनी में, इसको हम ऐसे मिक्स कर लिया है हमने इसको, और इसको हम थोड़ा थोड़ा इसके ऊपर स्प्रेड करेंगे। आप जब भी फुल क्रीम दूध लें तो उसको बहुत देर तक फ्रिज में पैकेट में ना रखें जब आप उबालेंगे, नहीं तो उसमें घी के तिरमिरे आने लगते हैं, तो आप उसको बाहर निकाल लें और ये फ्रेश दूध के साथ ही बनाएं। ये हमने इसमें अच्छे से इसको सोक कर दिया है। ये ठंडा होने के बाद, हल्का ठंडा हो गया है, अब हम इसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून वेनिला एसेंस और थोड़ा ये रोज वाटर डालेंगे हम। इससे खुशबू जो है वो बहुत अच्छी आती है। 1 टीस्पून के करीब इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। देखिए बिल्कुल ठंडा होने के बाद अब ये ऐसा हो गया है, ना हमने इसमें कस्टर्ड पाउडर डाला है, ना हमने इसमें मिल्क पाउडर डाला है, उसके बाद भी इतना बढ़िया हो गया है। तो आप ऐसे ट्राई करके देखना और टेस्ट करके देखिएगा, इस समय बहुत अच्छा। तो आइए हम असेंबल करते हैं इसको। ये अब हम ठंडा इसके ऊपर डालेंगे। देखिए कितने अच्छे से स्प्रेड हो रहा है। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूं कि आप इन दिनों बिल्कुल भी बाहर का मत खाइए। जैसा कि आपको पता है लॉकडाउन चल रहा है और स्थिति जो है वो बहुत खराब है, तो हम सबको पॉजिटिव रहते हुए घर में अच्छा अच्छा बनाइए, अच्छा अच्छा खिलाइए और पॉजिटिव रहना है। ऑल विल बी वेल। इस तरह से हम इसको पूरा कवर कर लेंगे और इसके बाद हम ग्रेप्स की एक लेयर लगाएंगे। आप कोई भी फ्रूट यूज कर सकते हैं, अगर ग्रेप्स नहीं मिल रहे हैं तो आप मैंगो ले सकते हैं, आजकल मैंगो भी आ रहा है, तो जो भी आप फ्रूट चाहें वो ले सकते हैं। अब हम फिर से इसके ऊपर एक लेयर जो है वो रस की लगाएंगे और आप ये बनाकर देखिए, यकीन मानिए ये बहुत टेस्टी लगती है। तो ये हमने लगा दी है, अब की बार हमने ऐसे चौड़ाई में लगाई है लेयर, आप ये ऐसे करके लगा सकते हैं। और इसके ऊपर हम फिर से ये जो हमने मिल्क गाढ़ा करके बनाया है, दूध गाढ़ा किया है, उसको डालेंगे। इसमें रोज वाटर की और इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है वेनिला एसेंस की, और जब आप बनाएंगे खाएंगे तो बार बार बनाए बिना नहीं रहेंगे। ये देखिए हमने इसको फिर से कवर कर लिया है और ये ठंडा होने के बाद ही आपको असेंबल करना है, दूध ठंडा हो जाए उसी के बाद, क्योंकि ये गर्म नहीं खाया जाता है, ये ठंडा खाया जाता है। और अब हम इसके ऊपर फिर से ये अंगूर की लेयर लगाएंगे। फिर से थोड़ा सा हम इसमें ये दूध डालेंगे। साथ साथ हम थोड़े से बीच में बादाम के, कटा हुआ बादाम और कटा हुआ पिस्ता डालेंगे। देखिए लग रहा है ना सुंदर। अब हम इसको थोड़ा सा कवर करेंगे। तो देखिए ये मेरी जो डिश है ना, ये 6x7 की है, तो मेरा ये बस इतना बच गया है, 1 बिग बाउल। तो आप एक और डिश इसमें असेंबल कर सकते हैं छोटी, तो ये मैं आपको बताना चाहूंगी। अगर आपको आधा लीटर दूध से बनाना है तो आप आधा लीटर दूध से भी इसको बना सकते हैं। अब हम करते हैं इसकी गार्निश। और देखिए हर चीज में इलायची पाउडर, हर चीज में केसर, आप कभी कभी अलग बनाकर देखिए, केवल इसको वेनिला एसेंस और रोज वाटर के साथ बनाकर देखिए, बहुत अच्छा लगेगा। डालने को आप कुछ भी डाल सकते हैं, बट
कुछ दूसरी डिशेस से ही डिफरेंट लगना चाहिए, ये मेरा कहना है। साइड में हम इसके लगाएंगे थोड़ा सा पिस्ता, और जिसने भी ये डिश खाई है सबने बहुत तारीफ की है, तो मैं चाहूंगी कि आप भी बताइए कि आपको ये डिश पसंद आई कि नहीं। ये हमने कर दिया है पिस्ते से गार्निश, और पिस्ता हुआ या ग्रेप्स हुए ये आप अपनी चॉइस से कम ज्यादा कर सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स और ग्रेप्स। यहाँ हम लगाएंगे ये बादाम के फ्लेक्स, और ऐसे कटा हुआ बादाम जो है वो खाने में बहुत टेस्टी लगता है, तो आप जरूर ट्राई कीजिए। और खाने में जो चीज़ है वो अगर देखने में भी सुंदर है तो आपका एकदम खाने को मन करेगा। ये देखिए हमारी परफेक्ट रेसिपी बनकर तैयार है। और मैं यहाँ बता दूं आपको, ऐसे असेंबल करके आपको इसको फ्रेश रैप से पैक करके, क्लिंग रैप से पैक कर दीजिए, और इसको फ्रीजर में नहीं फ्रिज में करीब 2 घंटे के लिए रख दीजिए, बहुत टेस्टी लगेगी, उसके बाद खाइए। मैं भी आपको कट करके बताऊंगी। ये देखिए 3-4 घंटे रखने के बाद ये बिल्कुल फर्म हो गई है, अच्छे से सेट हो गई है, हमारा जो ये डेजर्ट है अच्छे से सेट हो गया। अब हम इसको कट करते हैं। और बहुत यम्मी लगेगा, आप जरूर ट्राई कीजिएगा इसको। ये देखिए कितना सुंदर है, दोनों लेयर हैं ये लगी हुई हैं, आप इसमें देख सकते हैं अंदर किस तरीके से लेयर ये दिखाई दे रही हैं, तो बहुत ही यम्मी है, जरूर ट्राई कीजिएगा। ये देखिए पीस कितना अच्छा है, जब आप ऐसे सर्व करेंगे किसी को कितना अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच।